तो आज इस वीडियो में मेरे साथ फिर से एक बार जितेंद्र भाई जुड़ चुके हैं। ये देखो भाई साहब, इसकी आंख में कुछ पड़ गया है। तेरा सबसे हरामी दोस्त है मेरा, ना आप बोलते हैं ना मेरे को बोलने देता है, तीन प्रकार की लैंग्वेज बोलता है। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन तलवाड़ा। तो भाई साहब एक बार फिर से आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आने वाला हूं। आज हम जाने वाले हैं चिंतपूर्णी मार्केट। जी हां दोस्तों, वहां का आपको बस स्टैंड दिखाऊंगा और साथ ही मार्केट का रिव्यू कर बताऊंगा। माँ के दर्शन करने अभी हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना जब नवरात्रे का सीजन आएगा, तब आपके लिए माँ चिंतपूर्णी की स्पेशल वीडियो होगी। तो आज सिर्फ हम जा रहे हैं, मार्केट दिखाएंगे आपको चिंतपूर्णी की। जी हाँ दोस्तों, और पिछली वीडियो में मैंने आपको इस पुल के बारे में बताया था, जो ब्रिज बनाया न्यू हिमाचल पंजाब को कनेक्टिविटी करता है। तो पिछले साइड देख लो अपना शाहपुर की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और बीच में प्लेन मैदान है और इस साइड हमारा हिमाचल शुरू हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मेरे साथ फिर से एक बार जितेंद्र भाई जुड़ चुके हैं, ये रास्ता बताएंगे चिंतपूर्णी के लिए। भाई साहब कौन सा रास्ता जाता है? दो रास्ते जाते हैं, एक तो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं हाँ, ये वाला, और एक पीछे वो पुल दिखाई दे रहा है, वो वाला रास्ता। तो जितेंद्र भाई ये वाला रोड कहाँ निकलेगा, जो पीछे वाला जिस रास्ते? ये वाला रोड निकलेगा चुरनी मोड़ कंग्रेट से होकर, कंग्रेट है ना चुरनी मोड़, और पीछे वो पुल वाला रास्ता है वो रास्ता खारिया से होकर, खारिया खारिया विलेज कोटला में निकलेगा दूसरा रास्ता। आप हाल देख ही सकते होंगे इस रोड की, और लोगों को काफी आने जाने में परेशानी रहती है इस रोड के जरिए। अभी बाइक आएगी और बाइक वाला देखो कितना जोर लगाएगा। ये देखो भाई सवारी उतार दी है उसने भाई ने, और सिंगल ही आ रहा है, तो मुश्किल तो है भाई इस रोड में। ये देखो भाई साहब कितना ही खतरनाक रोड है, और आपको अगर एडवेंचर करने वाले हैं तो आपको तो मजा आएगा, लेकिन जो आम नागरिक है इनको परेशानी होती है डेली। इस रास्ते से हम आए थे ना, तो वो रास्ता ये वाला है, सामने आपको दिखाई दे रहा है, और एक दूसरा रास्ता आता है रामगढ़ वाली साइड से, ये वाला रास्ता रामगढ़ वाली साइड है, और जिस जगह पर ये दोनों रास्ते मिलते हैं ये रहे नंगो क्रैंट। और हिमाचल के कांगड़ा क्षेत्र में अभी हम प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं कहानपुर में, कहानपुर के लिए रामगढ़ से बस मिल जाएगी आपको। रामगढ़ से आ रहे हो ना आप, तो कानपुर के लिए यहाँ से बसें आती रहती हैं। ये देखो भाई साहब इसकी आँख में कुछ पड़ गया है, यहाँ पर यह बहुत प्रॉब्लम रहती है बाइक राइड के लिए, जो ड्राइवर बंदा है ना वो चश्मा लगा कर आए, नहीं तो हेलमेट पक्का डालें, नहीं तो आँख में कुछ ना कुछ पड़ जाएगा। दोस्तों कंक्रीट यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और व्यू दिखाता हूँ आपको भाई साहब कितना ही खतरनाक व्यू है। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियाँ हैं, पूरी की पूरी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ी है, और जो बताया था ना आपको लोकल लैंग्वेज में इसको चीला बोलते, चीला ये हमारी लोकल लैंग्वेज है। कांगड़ा वाली बोली में भी सेम बोलते हैं और उन्ना वाली बोली में भी सेम बोलते हैं। अगर आप पहाड़ी राज्यों से हैं जैसे उत्तराखंड वाले और साथ ही हिमाचल के ऊपरले क्षेत्र वाले, तो ज़रूर बताएं कि इस पेड़ को क्या बोलते हैं आप लोग अपनी लैंग्वेज में। तो इधर तो हमारी बोलते हैं सीधा चीला, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में भी सेम लैंग्वेज है जो पंजाब वाली है हमारी, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट उन्ना की सेम वॉइस है हमारी, तो सेम इस पेड़ को बोलते हैं चीला। और आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और ये देख सकते होंगे आप कितना ही बढ़िया व्यू है, आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, मज़ा आ जाता है यार कुदरत का नज़ारा देखते हुए। अभी हम पहुंच गए हैं गंगरेट में, गंगरेट है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है गंगरेट का, और ये वाला रोड चला गया सीधा अपना रामगढ़ को, कानपुर भया रामगढ़, और जो पीछे वाला रोड है ना ये आता है तलवाड़ा से, तलवाड़ा टेरेस भया टेरेस होकर, और अभी सीधा जाएंगे मेन लिंक रोड के साथ जुड़ चुके हैं, लिंक रोड आ गया है। तो अभी हम जाएंगे मस्त सीधा चिंतपूर्णी टेम्पल को।
दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं जोड़बड़ में, और ये जोड़बड़ की मार्केट है। एक रोड जाता है डाडा सिपा के लिए, ये वाला पीछे जो रोड गया, ये रही मार्केट, ये रही दोस्तों माँ शीतला की मार्केट। छोटी सी मार्केट है और आगे आपको हिमाचल की सबसे बड़ी मार्केट दिखाएंगे माँ चिंतपूर्णी। दोस्तों फाइनली हम चिंतपूर्णी में पहुंच गए हैं, ये रही चिंतपूर्णी की अभी मार्केट। और श्रद्धालु लोग जा रहे हैं माता के दरबार में। दोस्तों यहां से होती है एग्जिट पॉइंट, ये रहा जहां से श्रद्धालु लेते हैं एग्जिट। जब आप चिंतपूर्णी माता के दरबार में पहुंच जाते हो तो गेट नंबर 2 लिखा होता है बोर्ड पर, वहां से एक रास्ता आता है आगे को, और इस साइड है टेंपल, बहुत बड़ा विशाल टेंपल है। राधा कृष्ण और राम जी की मूर्ति यहां पर स्थित है, आप यहां पर आकर दर्शन कर सकते हैं, और माता जी की भी मूर्ति यहां पर स्थित है। तो आप कभी भी आओ, जब भी आते ना चिंतपूर्णी, तो यहां पर भी एक बार ज़रूर विजिट करो। बाबा श्री माई सदन के आप यहां पर आप दर्शन कर सकते हो, और पर्चिंग वगैरह यहां से मिलती है, और यहां पर आप पार्किंग भी कर सकते हो, पार्किंग की भी लगा सकते हो, और मार्केट भी है साथ में, और आगे आपको बस स्टैंड देखने को मिलेगा थोड़ी दूर पर। दोस्तों दो रोड जाते हैं, एक जो सामने वाला रोड है ना, ये बार बार ही तलवाड़ी को जाता है, और ये मेन मार्केट के लिए। अभी आपको सीधा ही बस स्टैंड की ओर ले चलते हैं, और बस स्टैंड करते हैं। तो फाइनली हम माँ चिंतपूर्णी के मेन बस स्टैंड में पहुँच गए हैं, ये रहा चिंतपूर्णी का सबसे बड़ा बस स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, 4-5 राज्यों के लिए सीधी बसें चलती हैं, राजस्थान के लिए, पंजाब के लिए, उत्तराखंड के लिए, और सीधा अपना पूरा हिमाचल के लिए सीधी बसें चलती हैं, और 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रोडवेज की बात की जाए तो वो भी सर्विस यहाँ से बढ़िया चलती है, पंजाब रोडवेज की बात हो तो बहुत ही बढ़िया सर्विस यहाँ से चलती है। शाहपुर के लिए सीधी बसेस हैं, और लुधियाना के लिए भी काफ़ी बसेस यहाँ से मिल जाएगी, और पूरे ऑल ओवर हिमाचल के लिए यहाँ से बसेस चलती हैं। तो काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है ये, और लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने के। दोस्तों जो पहले प्रॉब्लम आती थी पार्किंग की, तो अभी जहाँ के प्रबंधक ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, बहुत ही बढ़िया पार्किंग बना दी है बैक साइड, आप देख ही सकते होंगे नीचे बस स्टैंड है, ऊपर पार्किंग की व्यवस्था काफ़ी बढ़िया कर दी है। तो भाई अभी भी काम चल रहा है, और पार्किंग बनाई जा रही है, और भाई बहुत ही बढ़िया आपको लगेगा जब आप वहाँ के दरबार के दर्शन करने आओगे, तो यहाँ की मार्केट देख कर आपको बहुत ही अच्छा सुकून मिलेगा। दोस्तों यहाँ से होती है पार्किंग के लिए एंट्री, ये पार्किंग के लिए जा रही हैं बस गाड़ियाँ जितनियाँ भी है, माँ के दर्शन कर रहा पार्किंग का रास्ता। दोस्तों ये रही माँ चिंतपूर्णी की मार्केट।
देख रहे हैं सबसे हरामी दोस्त है मेरा, ना आप बोलता है ना मेरे को बोलने देता है। पूरी वीडियो की सत्यानाश कर दी इसने, बोला था मार्केट रुक कर वीडियो बनाएंगे, पर ये बंदा रुका नहीं। इससे पूछते हैं भाई तू क्यों नहीं रुका, अभी भाग रहा ना। इसको बोलते हैं नॉर्मल, मतलब कॉन्फिडेंस है ही नहीं, बोलने की हिम्मत ही नहीं है भाई की। जनता माफ नहीं करेगी, जब भी बोलता है तो गलत बोल देता है। अगर हिंदी बोलना की बात करूँ तो हिंदी पहाड़ी मिक्स कर देता है, पंजाबी भी बीच में बोलता है, तीन प्रकार की लैंग्वेज बोलता है भाई। बताओ इस बंदे का क्या हाल करूँ मैं, अभी डांस करके बता रहा है। इसकी वजह से मैंने मार्केट कवर नहीं अच्छे से। अगर बस स्टैंड गया तो उधर बोलता लोग हंस रहे हैं, मेरे को भी डरा देता है, अपना तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लो कर देता है भाई। बता इस बंदे के साथ क्या किया जाए। अभी दांत निकाल रहा है पीछे, कोई शर्म नहीं, बुढ़ा हो गया दांत निकाल रहा है। बताओ कंट्रोल, कंट्रोल बताओ क्या कर सकता हूँ उसके साथ। और मेरे को पता क्या बोल रहा है, इसकी सेहत डाउन थी तो इसलिए मैं पाई छूट नहीं कर पाया। देखो क्या डायलॉग मार रहा है, और देखो इधर उधर बोलेगा। आप सुनोगे आप, एक मिनट आपको सुनाता हूँ क्या बोलेगा, बता दे, बता दे, बता दे, बता दे किसकी से डोल है। यार क्या झूठ बंदा बोल रहा है यार, क्या यार बड़ा झूठ बोल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। टाइम ज़्यादा होने के कारण हम पूरी वीडियो शूट नहीं कर पाए, जितनी भी की आपके लिए, आप बता देना आपको अच्छी लगी कि खराब लगी, और आगे नेक्स्ट टाइम सुझाव दे देना कि किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए।